नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम आपको ले चलेंगे वाल्मीकि नगर, जहां पर घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर इस बार कोई नया इतिहास भी लिख सकता है। तो क्या होने वाला है वाल्मीकि नगर में, जानने और समझने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर अरविंद तिवारी जी। उनसे बात करेंगे कि क्या हो रहा है वाल्मीकि नगर की रणभूमि में। आपका बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। धन्यवाद सर, आपके पूरे कैपिटल टीवी पूरे टीम को मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपने तरफ से। क्या हो रहा है वाल्मीकि नगर में? कहा जा रहा है कि इस बार की लड़ाई 19 की लड़ाई से एकदम इतर लड़ाई है, क्या है कुछ अलग वहां हो रहा है? देखिए सर, अब की बारी की जो लड़ाई है काफी महत्वपूर्ण लड़ाई हो गई है, और यहाँ आप जान रहे हैं, आप तो पूरे बिहार के वरिष्ठ संपादक हैं और हम बहुत पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं। यहाँ गन्ना और गन्ना गंडक, ये तीन समस्या मुख्य रूप से यहाँ रहा है बगहा के लिए, वाल्मीकि नगर क्षेत्र के लिए पूरे, जिसमें एक तरफ दियरा है, एक तरफ गन्ना गंडक। अच्छा, गन्ना गंडक और ये गन मतलब बंदूक, बंदूक बोल रहे हैं, गन गंगा गंडक जी। तो आज तो बंदूक बंदूक थम गया है जी, और लेकिन गन्ना की समस्या और गंडक की समस्या ज्यों की त्यों अभी तक बनी हुई है जी जी। यहाँ इसी पर लड़ाई है वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में। इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, ये तमाम सारे मुद्दे गूंज रहे हैं यहाँ वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ मुख्य रूप से दो धारा के बीच की लड़ाई है, और भी निर्दलीय लोगों ने नॉमिनेशन किया है, जिसमें प्रमुख नाम है, एक दिनेश अग्रवाल हैं उनका नाम है, और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। पिछले बार प्रवेश मिश्रा जी, उनको कांग्रेस टिकट नहीं दी है, आरजेडी को दे दी है। तो ये दो आदमी, हम बागियों पर हम आएंगे। आपने गन्ना की बात की तो तेजस्वी यादव ने तो गन्ना मिल मालिक को ही टिकट दे दिया वाल्मीकि नगर से, तो क्या है कि गन्ना की समस्या समाप्त हो जाएगी? देखिए, गन्ना की समस्या सर समाप्त हुई भी है और है भी, जी बिल्कुल समाप्त तो नहीं है। आप पूछेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि दीपक यादव के आने के बाद गन्ना गिराना, पेमेंट पाना, ये तो सुविधा मिली है किसानों को, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है बहरहाल। लेकिन गन्ना के तौल में घटतौली से बदनाम है उनकी फैक्ट्री, उन पर वो कोई आज तक एक्शन नहीं लिए। बिहार सरकार की तरफ से कई बार FIR भी हुआ चीनी मिल पर, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो रुका नहीं। फिर जैसे किसानों के लोन के संबंधित में चीनी मिल जो देता था, उसमें भी पंजाब नेशनल बैंक का जो है KCC वगैरह का जो लोन हुआ, तो उसमें चीनी मिल की भी बदनामी हुई थी। तो प्रोफेसर साहब, आपकी बात से हम समझ गए कि गन्ना का मामला वहाँ एक बड़ा मुद्दा है वाल्मीकि नगर चुनाव के लिए, लेकिन क्या जो ये बागी जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, प्रवेश मिश्रा जी की भी चर्चा कर रहे थे और अग्रवाल साहब की भी चर्चा कर रहे थे, तो ये नुकसान किसको पहुँचाएंगे? जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं उनको पहुँचाएंगे या फिर RJD के प्रत्याशी को पहुँचाएंगे? मानना यह है कि जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले बार रनर में रहे कांग्रेस मिश्रा 35% वोट लाए, महज 22,000 वोट से हारे थे सुनील कुशवाहा से 2020 में जो चुनाव हुआ, तो उनके साथ जो लोग जुटे थे वो उसको वो अपना मान रहे हैं। तो कांग्रेस और RJD का गठबंधन है जी। तो ऐसा लोगों का मानना है कि वो दीपक यादव को डैमेज करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी जो हैं वो संघ के और BJP के तरफ से पहले वो काफी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं, तो उनका दावेदारी है कि हम जीतेंगे तो जाएंगे मोदी जी के लिए काम करेंगे, तो दोनों दोनों पक्षों को डैमेज कर रहा है। इसमें एक और रोचक लड़ाई हो गई है, एक पक्ष एक आसाम से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो उनका भी आगमन यहाँ की धरती पर हुई है, वो दो बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं, कोई करके हैं, वो नाम हम थोड़ा मिस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब
उनको नाम अपना कुमार, नजरिया चुनाव लड़ने का अनुभव उनको होगा, दोबारा जी जीते हैं है, तो तो। वो आदिवासी तो, आदिवासी के तरफ से जो है वो दावेदारी किए हैं चुनाव के लिए, अच्छा ये बिल्कुल, आदिवासियों का वोट काटने का दावा कर रहे हैं, ये अच्छा सबसे बड़ी रोचक बात है। तो वो भी एक तरफ से वो बीजेपी का ही नुकसान करेंगे। तो कुल जी, मिलाकर के लड़ाई तो घमासान होने जा रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और हावी दोनों मुद्दा है, महंगाई भी हावी है और बेरोजगारी भी हावी है, किसानों का समस्या भी हावी है। और जी, आप प्रोफेसर देख साहब, रहे आपकी हैं बातचीत से ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं कुशवाहा जी, उनको अग्रवाल साहब के तरफ से और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं जो असम से आए हैं, दोनों तरफ से उनको नुकसान पहुंचेगा। सही बात यही है। जी, और ये का दूसरे, आरोप और भी है, इनकी इनकी सक्रिय नहीं रहने का भी लोगों के बीच आरोप है। तो अच्छा लड़ाई तो दीपक यादव काफी दे रहे हैं सुनील कुशवाहा जी को, इस समय दीपक यादव काफी एक्टिव हैं, सुनील कुशवाहा भी काफी एक्टिव हैं, दोनों ओर से अब धुआंधार प्रचार कल से शुरू हो गया है, लेकिन जी, लड़ाई बहुत रोचक होने जा रहा है। अच्छा ये बताइए प्रोफेसर साहब कि राजन तिवारी का फैक्टर कितना काम करेगा वाल्मीकि नगर के चुनाव में? ये राजन तिवारी का यहाँ संबंध है, यहाँ ब्राह्मणों में उनकी पैठ है, जान पहचान है, पहले से संपर्क रहा है, तो उनकी भूमिका से बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ इस भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि उनकी अपनी भी पकड़ है इस क्षेत्र में। थोड़ा सा अगर जातीय आंकड़ा आप वाल्मीकि नगर का हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं, अगर आपके पास वो आंकड़े हैं तो बताइए। हाँ जी, यहाँ कुल वोटर जो हैं जी, 17,064 के आसपास हैं, 17 लाख के और आसपास, इस 17 लाख के आसपास। जी नहीं 17 लाख, ये 17,64,000 समथिंग है सर, जी जिसमें 9,43,000 तो पुरुष है और महिला 8,25,000 है सर। जी और इसमें सबसे बड़ा लीड रोल इस मतदाताओं में मुस्लिम मतदाता हैं जो 3 लाख के आसपास हैं, उसके जी बाद से ब्राह्मण समुदाय आ रहा है उनका 2.5 लाख है, और जी फिर दलित वोट जो है 2.5 लाख के आसपास है, थारू जी जनजाति जो मिला करके करीब ये 2 लाख उनका भी है, तो जी वोट का धुरी तो इन जातियों के पीछे पीछे रहेगा, ध्रुवीकरण तो होगा जिस पक्ष में हो। तो ये नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो वाल्मीकि नगर में कैसे काम कर रहा है? अभी तक तो उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन अब नेताओं के आने के बाद और भीड़ उमड़ने के बाद, मतदाताओं को सुनने के बाद, अब फिर क्या सामने आ रहा है दोनों पक्षों का, एक या जी, एक नया रोचक विषय रहेगा सर। अभी 10-12 दिन का समय है, तो नरेंद्र मोदी जी का राम अयोध्या का समस्या का समाधान कोर्ट के सहमति से कराना, और भी तमाम देश विदेश की जो भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, ये सभी मुद्दे हावी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लोगों के बीच में उनका स्थान है, लेकिन स्थानीय समस्या भी हावी है सर। देखिए एक प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया कि एक यादव प्रत्याशी को वाल्मीकि नगर में उतारा। अमूमन ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है, ब्राह्मण लोगों को वहाँ प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन एक यादव प्रत्याशी को वहाँ उतारना, ये जो एक कार्ड फेंका है तेजस्वी यादव ने, ये क्या प्रभावी है या फिर ये मात खा जाएगा ये कार्ड? देखिए ये तो मेरे समझ से पूरा कारगर नहीं है, उन्होंने जो फेंका वो समझे कि ये कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाएगा ब्राह्मण जाति का कांग्रेस के नाम पर, जी और ये यादव मुसलमान का समीकरण मिल जाएगा, अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब तो उनका पक्ष मजबूत है, निकल जाएंगे, जी लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। ब्राह्मणों अच्छा का पूर्णतः बहुमत जो मिला प्रवेश मिश्रा को, पिछले बार पूर्णतः नहीं कहेंगे, सुनील कुशवाहा को भी मिला, लेकिन ज्यादा उनको मिला था प्रवेश मिश्रा का, प्रवेश जी मिश्रा को, तो प्रवेश मिश्रा तो अपने लड़ाई में आ गए हैं, तो जब जी लड़ाई आ गए हैं तो फिर एनडीए का वोट ब्राह्मणों का जाएगा, उनको भी जाएगा, जी तो इसलिए लड़ाई बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई अभी हो गई है सर। तो प्रोफेसर साहब ये बताइए कि एक कंक्लूजन हम लोग निकालें कि सबसे महत्वपूर्ण वोट किन का है? ब्राह्मणों का है, आदिवासियों का है, यादवों का है? अगर तीनों को हम लोग देखें तो सब पहला नंबर किसका है जो वाल्मीकि नगर के चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है?
ब्राह्मण, मुसलमान और यादव, इन तीन का, और चौथा आदिवासी, जी ये चार का मैक्सिमम वोट जो लेगा सर, वो बीजेपी के कगार पर जाएगा, तो गंडक में जो विजय श्री पानी को। बह रहा है प्रोफेसर हाँ साहब, वो गंडक का पानी किस ओर जा रहा है ये बताइए हम मेरे दर्शकों को, ये पानी क्या कहता है गंडक का पानी वाल्मीकि नगर में, क्या चुनावी संदेश दे रहा है? जी जी, बाढ़ अभी आया नहीं है लेकिन बड़ी शांत है सर। सांकेतिक भाषा में शांत। समझें कि बाढ़ है वो दियारा में एकदम चुपचाप धीरे धीरे प्रवेश कर रही है शांत रूप से, और जी वोटर कुछ बताने और कहने से कतरा रहे हैं। जी तो कहने और बताने से कतराने का मतलब है कि मामला गंभीर है। गंभीर है। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद तिवारी जी, कह रहे हैं कि गंडक का पानी शांत है, इसका मतलब है कि वो पानी जहां जहां जा रहा है उसका मतदाता भी शांत है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। एक प्रयोग किया तेजस्वी यादव ने, यादव प्रत्याशी को उतारा, लेकिन जब तक उसमें ब्राह्मण का तड़का नहीं लगेगा और मुसलमानों का पुरजोर तड़का नहीं लगेगा, तब तक तेजस्वी यादव का यह प्रयोग वाल्मीकि नगर में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी एनडीए की जो पार्टियां हैं वो सभी लगी हुई हैं कि वहां पर तीर को चलाया जाए, दोबारा सांसद भेजा जाए कुशवाहा जी को, लेकिन लड़ाई वहां घमासान है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि एकदम आमने सामने की लड़ाई है और जो बागी हैं वो वाल्मीकि नगर के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम बताएं कि रूबरू के अगले एपिसोड में फिर हम चंपारण जाएंगे, बात करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो 24 का महाभारत है उस महाभारत में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।